अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे वर्चुअल असिस्टेंट अमेज़ॉन के एक्सरसाइज नंबर 1 की। तो इसके जो टोटल मार्क्स है वो 10 मार्क्स हैं और इसकी जो ड्यू डेट है वो 11/8/2022 है। और इस असाइनमेंट को आपने एमएस वर्ड के फॉर्म में सबमिट करवाना है। अब चलते हैं इसके प्रॉब्लम स्टेटमेंट में। तो आपने ये टास्क जो है परफॉर्म करना है, ठीक है। तो सबसे पहला आपका टास्क है कि व्हाट आर द डॉक्यूमेंट्स दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द अमेज़ॉन सेलर अकाउंट क्रिएशन, ठीक है। तो अमेज़ॉन सेलर सेंटर पे आपको अकाउंट बनाने के लिए कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं, तो सबसे पहले चलते हैं इसके आंसर पे। मैंने एमएस वर्ड की फाइल में पैसे टाइप करके रखा हुआ ताकि आप लोगों को परेशानी ना हो और टाइम वेस्ट ना हो। मैं इसको जूम, ठीक है। तो व्हाट आर द डॉक्यूमेंट दैट आर रिक्वायर्ड फॉर द अमेज़ॉन सेलर अकाउंट, ठीक है। सबसे पहले जो है आपको पासपोर्ट, यानी आपको पासपोर्ट या फिर आईडी कार्ड कुछ चाहिए होता है, ठीक है। यानी कि आपको पासपोर्ट कार्ड या फिर आईडी कार्ड आपको चाहिए होता है, ठीक है। आईडी कार्ड क्या है, NIC। और याद रखें आपका NIC जो उर्दू में नहीं होना चाहिए, पुराने कार्ड है वो उर्दू में। तो अपना कार्ड अपडेट करवा लें, आपका कार्ड इंग्लिश में होना चाहिए और उसकी एक्सपायरी डेट नहीं होनी चाहिए। और दूसरे नंबर पर आपका ईमेल एड्रेस का, जैसे कि @gmail.com, ठीक है। तो आपका एक ईमेल एड्रेस होना चाहिए, उसके साथ के आपका फ़ोन नंबर होना चाहिए, जो आपको सेल फोन नंबर या फ़ोन नंबर होता है वो होना चाहिए। उसके अलावा आपका घर का बिल, बिजली गैस पानी कोई से भी बिल हो सकता है यहाँ पर, ठीक है। आपका घर का अमूमन के इलेक्ट्रिक या बिजली का बिल होता है, ठीक है। उस पर सिर्फ एड्रेस कन्फर्म करने के लिए वो बिल चाहिए होता है, ठीक है। नंबर 5 पे बैंक स्टेटमेंट, ठीक है। अब यहाँ पे मेंशन किया सर ने वीडियो में, कहते हैं कि बैंक स्टेटमेंट आपका बैलेंस चेक करने के लिए नहीं, बैंक स्टेटमेंट होता है वेरिफिकेशन के लिए कि आपका वो एड्रेस चेक कर सकते हैं कि बैंक स्टेटमेंट में जो आपका एड्रेस का सही है या गलत है, या वेरिफिकेशन में आसानी हो जाती है, यानी ट्रस्ट बिल्डन हो जाता है। उसके अलावा उसके नंबर 6 पे है डेबिट या क्रेडिट कार्ड, ठीक है। अमेज़ॉन जो है क्रेडिट कार्ड मांगता है, लेकिन सर ने वीडियो में कहा था कि डेबिट कार्ड भी चल सकता है लेकिन इसमें इशू आ सकते हैं। तो आप दोनों मेंशन कर दें और वाजह रहे कि डेबिट या क्रेडिट कार्ड जो है वो आपका मास्टर या वीज़ा कार्ड होना चाहिए, इसके अलावा होगा तो आपको इशू आ सकते हैं, ठीक है। तो मैंने यहाँ स्टेप्स में लिखा हुआ है, आप थोड़ा स्टेप में अच्छा करके लिख दें ताकि आप लोगों को मार्क्स ज़्यादा मिलने के चांसेस हो जाए, ठीक है। अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन में, व्हाट इज़ SN and BSR, प्रोवाइड स्टेप्स फॉर फाइंडिंग SN and BSR फॉर प्रोडक्ट, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 में कि आपको बताना है कि SN क्या और BSR क्या, आपको उसके स्टेप्स भी बताने के सही से आप SN और BSR फाइंड करते हैं प्रोडक्ट्स के अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले डेफिनेशन की तरफ, तो व्हाट इज़ SN, तो SN स्टैंड फॉर अमेज़ॉन स्टैंडर्ड आइडेंटिफिकेशन नंबर। जैसे कि अपन सोच लें, पूरी डेफिनेशन लिखी हुई आप इसको पढ़ लीजिएगा, 10 लेटर्स का ये SN होता है, इसमें अल्फाबेट भी होते हैं, नंबर भी होता है। नाउ SN क्या होता है, जैसे कि हमारा NIC होता है, आईडी कार्ड होता है, वो यूनिक होता है, सेम नहीं हो सकता। इसी तरीके से अमेज़ॉन में जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जितने भी आईडी में, सबका एक यूनिक 10 डिजिट्स का ये एक SN होता है। वो कौन देता है, वो अमेज़ॉन देता है। किस लिए कोई भी प्रोडक्ट फाइंड करनी होती है, वो प्रोडक्ट को वो कोड को देखता है, उस तरीके से आपको वो प्रोडक्ट सामने आ जाता है। तो SN इसीलिए होता है, ठीक है। और स्टेप्स क्या है, तो स्टेप्स को फॉलो कर लीजिएगा, बहुत आसान है। आपने जाना www.amazon.com पे, ठीक है। amazon.com में जाने के बाद आपने सर्च पे जाके कोई सा भी प्रोडक्ट जो है वो सर्च कर लेना है। अगर मैं यहाँ पे जाकर आपको दिखाऊँ, amazon.com पे गया मैं, ठीक है, ठीक है। इस तरीके से मेरे को इंटरफेस आ रहा होगा, ठीक है। अब यहाँ पे आप चाहे तो अपनी लोकेशन चेंज कर लें, चाहे तो आप सर्च कर लें। जैसे मैंने लास्ट टाइम सर्च किया था, मैं उसी को दिखा देता हूँ आपको। मैंने सर्च किया था यहाँ पे कीबोर्ड, ठीक है, कीबोर्ड पर क्लिक करें। तो पहला स्टेप क्या, अमेज़ॉन पर जाएंगे, फिर आप सर्च पर जाएंगे, कोई भी आइटम आप सर्च करेंगे, यहाँ मैंने मेंशन किया है, ठीक है। छोड़ने के बाद इस तरीके से इंटरफेस आ रहा है, इसमें से कोई सा भी आइटम दे रहे हैं सर्च कर ले। मैंने इस पर क्लिक किया था, ठीक है। इस पर क्लिक करेंगे, देखिए इसकी शॉट सामने आ रही है, इससे आप फॉलो करेंगे आपको आराम से मिल जाएगा, ठीक है। स्क्रॉल डाउन करेंगे नीचे, आप ये आइटम आ गया, आप आइटम को आप चूज़ करें, आपको ऊपर ये आइटम सामने आ जाएगा, ठीक है। ये आइटम खुल गया, ये आइटम खुल गया, ठीक है। आप आइटम के नीचे आएँ, आप देखें यहाँ ये लिखा हुआ आ रहा है, इसका SN ही लिखा, ये SN। तो आपने इसका स्क्रीन शॉट ले लेना, ठीक है। स्क्रीन शॉट लेने के लिए आप करेंगे ये स्टेप टूल खोलेंगे, न्यू करेंगे और स्क्रीन शॉट लेके आप Ctrl+C कर देंगे, Ctrl+V कर देंगे वर्ड की फाइल में, ठीक है। इस तरीके से आप SN ले लेंगे। अगर आप लोगों को बहुत परेशानी हो, सिंपल भाई, Ctrl+F करना, ASIN SN लिखना, टाइप करना, फिल्टर पर क्लिक करना, ये देखें ये SN लिखा हुआ है, आपको मिल जाएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो ये तो हो गया आपका SN, SN भी हमने मेंशन कर दिया। अब इसके साथ कह रहे थे व्हाट इज़ SN and BSR, तो अब से चलते हैं BSR। BSR क्या होता है, BSR स्टैंड फॉर बेस्ट सेलर रैंक, ठीक है। यानी बेस्ट सेलर रैंक एंड इज गिवन बाय अमेज़ॉन टू द सेलर हु हैव एटलीस्ट मिनिमम 100 प्रोडक्ट्स, ठीक है। कम से कम अमेज़ॉन इसको यानी रैंक प्रोवाइड करता है जिसका मिनिमम जो है अपनी आइटम में से कम से कम एक आइटम उसको सेल हो, एक आइटम सेल होगा अमेज़ॉन उसको कोई ना कोई रैंक दे देगा, ठीक है। अब ये किस पर डिपेंड करता है, ये डिपेंड्स करता है कैलकुलेशन पे, बेस्ड ऑन हिस्ट्रिकल सेल्स डाटा, यानी जितने भी उस बंदे के ने सेल्स की है, उसके प्रोडक्ट्स की सेल हुई है, उसके लिहाज से वो उसको BSR दे देता है, ठीक है। ऑल्सो BSR हैव डिफरेंट रैंक इन डिफरेंट कैटेगरी, ठीक है। अब BSR जो होता है वो कैटेगरी पर डिपेंड कर होता है, ठीक है।
एक प्रोडक्ट अगर इस एक कैटेगरी में डाला हुआ तो उसका बी एस आर अलग होगा, अगर वही प्रोडक्ट इस कैटेगरी में डाला हुआ तो उसका बी एस आर अलग होगा, ठीक है। तो सिंपल आपका बी एस आर का कहने वाला दिया है, ठीक है। अब इसमें कहने के लो बी एस आर होता है तो हाई सेल होती है, लो बी एस आर मतलब 1, 2, 3। अब इसमें लो क्या हुआ है, लो यानी छोटा, छोटा नंबर होगा तो उसकी हाई सेल होगी। अब हायर बी एस आर मतलब यानी 50, 60, 70, हायर बी एस आर मतलब क्या होगा, लो सेल होगी, ठीक है। तो इसका स्क्रीन शॉट क्या है, मैं यहाँ लिखा हुआ है सेम स्क्रीन शॉट्स वगैरह इग्नोर करें एक मिनट के लिए, आप नीचे आएँ, यहाँ लिखा हुआ मैंने स्टेप्स टू फाइंड बी एस आर ऑन अमेजोन, पूरा प्रोसीजर सेम है, ठीक है। आप गए आपने चेक किया, कंट्रोल एफ में जाएँ, यहाँ लिखें बी एस आर, ठीक है। ऐसे के साथ ही आपको बी एस आर शो कर रहा होता है, यहाँ पर लिख लेते हैं बेस्ट सेलर रहेगा, ऊपर आप टाइप करेंगे बी एस आर शॉट शो नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बेस्ट सेलर रहेंगे आप करेंगे तो आपको मिल जाएगा, ठीक है। ऐसे के साथ ही होता है, आपने एक स्क्रीन शॉट लेना डाल देना, ठीक है। बेस्ट सेलर रैंक लिखा हुआ है यहाँ पे ले रहा है 982, यहाँ पे दे रहा है 52, ठीक है। अब इस कैटेगरी में जो 982 में है और इस कैटेगरी में जो है 52 है, इसको हम अमूमन बोलते हैं पैरेलल कैटेगरी, और जिसकी जो मेन कैटेगरी है वो गेमिंग पीसी में 52, इसमें अमूमन वो हाई होता है, ठीक है। तो ये कैटेगरी है, इसके अलावा ये इस तरीके से आप स्टेप्स डाल सकते हैं, वो स्क्रीन शॉट में यहाँ मैंशन करती है। अब आप चलते हैं थोड़ा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन की तरफ, तो आपने किस तरीके से मालूम करना है, ये एक लिंक है, इस लिंक पर आप क्लिक करेंगे आपको इस तरीके से स्क्रीन शॉट मिलेगा। मैं आपको दिखाऊँ, ये लिंक में कॉपी करता हूँ, ठीक है। इसमें क्या करना है, आपने बेस्ट सेलर रैंक नंबर, ठीक है, जो हमने रैंक देखा था वो हम रैंक पुट कर देंगे, अमेजॉन मार्केट प्लेस सेलेक्ट कर लेंगे यहाँ पे, और अमेजॉन प्रोडक्ट कैटेगरी किस कैटेगरी में वो सेल कर रहा है और एस्टिमेट पे क्लिक कर देंगे, तो वो तो इस रैंक के जरिए यानी इतने आइटम वो सेल कर रहा है मंथली, जिसके बना पे उसको ये रैंक मिला है, इस तरीके से हम फाइंड कर लेंगे। जैसे अब लेट सपोज का रैंक नंबर कहते हैं यहाँ पे, लेट सपोज कर लेते रैंक नंबर है 52, या 52 लिखेंगे, ठीक है। मार्केट प्लेस कर लेते हैं US और अमेजॉन कैटेगरी, कैटेगरी क्या थी, गेमिंग पीसी थी यहाँ पे, तो यहाँ पे हम डाल लेंगे वीडियो गेम डाल लेंगे, ठीक है। तो समझ लें कि वो इस कैटेगरी पे, इस मार्केट प्लेस पे उसको जो 52 रैंक मिला है वो इसलिए मिला कि वो 14,880 सेल करते हैं पर मंथ में, ठीक है। तो ये एस्टिमेट होता है, अंदाज़ा होता है, परफेक्ट नहीं होता, तो इस तरीके से आप ये अंदाज़ा लगा सकते हैं, ठीक है। ये तो हो गया आपका नंबर 2 पे BSR और SN क्या होता है और उसके स्टेप्स क्या होते हैं, ठीक है। तो नंबर 3 पे है प्रोवाइड लिस्ट ऑफ 3 एसेंशियल फीचर्स ऑफ कीपा एंड हीलियम हु विच आर एसेंशियल फॉर VA, ठीक है। चलते हैं हम 3 की तरफ, 3 में क्या है, सिंपल लिख दें कीपा इज यूज फॉर ट्रैकिंग द हिस्ट्री ऑफ एवरी, आप गूगल पर सर्च कर सकते हो ऑफ अमेजॉन आइटम, ठीक है। कीपा किस लिए होता है, ट्रैकिंग हिस्ट्री ऑफ एवरी अमेजॉन आइटम, अमेजॉन जितने भी आइटम है उसका हिस्ट्री ट्रैक करने के लिए कीपा यूज़ करते हैं, ठीक है। और दूसरा यूज़ करते हैं, इसलिए करते हैं कि यूज़ फॉर प्राइस एंड सेल्स रैंक, ठीक है, उसके मार्केट में क्या प्राइस चल रहा है, सेल्स रैंक क्या है प्रोडक्ट का, तो कीपा हम इसलिए यूज़ करते हैं। और कीपा का थर्ड किस लिए यूज़ करते हैं, हम कंपेटिटर एनालिसिस, यानी कि आप एक आइटम सेल्स कर रहे हैं, कोई क्रीम सेल कर रहे हैं, ठीक है, तो कंपेटिटर में कंपेटिटर सेल कर रहा है तो दोनों को कंपेरिजन करते हैं कि उसका कितना सेल हो रहा है, आप कितना सेल हो रहा है, उसको बोलते हैं कंपेटिटर एनालिसिस, ठीक है। स्लैश बैकलॉग, बैकलॉग में एक फंक्शन था वो मुझे अभी याद नहीं आ रहा, ठीक है, तो आप सर्च कर लीजिएगा। हीलियम टैंक इसलिए यूज़ करते हैं, हीलियम टैंक यूज़ फॉर कीवर्ड रिसर्च, कीवर्ड रिसर्च के लिए हीलियम टैंक यूज़ करते हैं। और इसके अंदर एक एक्सरे रिपोर्ट होती है जो सर ने वीडियो में बताया था, तो वो एक्सरे रिपोर्ट भी काफ़ी काम आती है, तो हीलियम टैंक हम इसलिए भी यूज़ कर सकते हैं एज ए बी, ठीक है। और हीलियम यूज़ फॉर कंपेटिटर एनालिसिस, जो पर कीपा काम करता है कंपेटिटर एनालिसिस का, वही हीलियम टैंक भी काम करता है, ठीक है। अब हम चलते हैं नंबर 4 में, व्हाट इज ट्रेड इंश्योरेंस ऑन अलीबाबा एंड प्रोवाइड स्क्रीन शॉट ऑफ वेरियस ट्रेड एश्योरेंस ऑफ सप्लायर, ठीक है। अब ट्रेड इंश्योरेंस क्या होता है और इसका स्क्रीन शॉट हमें प्रोवाइड करना है, ठीक है। तो ट्रेड इंश्योरेंस क्या होता है, अब नेट सर्च करेंगे तो ट्रेड इंश्योरेंस सिंपली जबान में लिखा हुआ है, उसको आप पढ़ लीजिएगा। एक अली बाबा का प्लेटफॉर्म है जिसके जरिए सप्लायर और बायर का ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, यानी कि कोई चीज़ अगर कस्टमर ने परचेज करनी है अपने बायर से, क्या करेगा वो डायरेक्ट अली बाबा पर जाएगा और बायर हायर कर लेगा, लेकिन वो फ्रॉड भी कर सकता है, तो इसके लिए क्या मसला होगा, तो बीच में हम हायर करते हैं अली बाबा, अली बाबा बोलते हैं कि आप अपना ट्रेड इंश्योरेंस बाय कर लें, यानी हमेशा हमें गवाह के तौर पर बना लें, इससे ये होगा जो भी आप पे करेंगे वो अलीबाबा को पे करेंगे, और आपको अगर कस्टमर आपका आइटम डिलीवर कर देता है तो अलीबाबा अमाउंट रिसीव कर देगा, अपना थोड़ा कमीशन ले लेगा, लेकिन अगर फुलफिल नहीं हो पाता तो अलीबाबा आपके पैसे आपको रिटर्न कर देगा, तो आप सिक्योर हो जाएंगे, तो एक सिक्योर मेथड है। लेकिन इनकेस अगर आप ट्रेड इंश्योरेंस नहीं लेते तो आपका पैसे रिस्क है, टू और डाई है, क्या पता आपको बैठ धोखा दे दे तो फिर आप पैसे आपके सारे गए, तो सिंपल ट्रेड इंश्योरेंस में अलीबाबा ही होता है, ठीक है। सिंपल हो गया, इसका आपने स्क्रीन शॉट प्रोवाइड करना है, तो मैं आपको नेट पे जाके दिखाऊं। सिंपल आप गए अलीबाबा का पे खोला, यहाँ पे आपको सर्च बार आएगा, सर्च बार पर टाइप कर देंगे योगा, ठीक है, योगा मैडम ने सर्च किया, जैसे आप क्लिक करेंगे तो आपको ये इंटरफेस खुल जाएगा, यहाँ पे आप देखेंगे लिखा है ट्रेस इंश्योरेंस और वेरीफाई, आपने इसका स्क्रीन शॉट लेना है और फाइल में लगा लेना है, ठीक है। अगर देखिए ये आइटम आ रहा है, मैं इस पर क्लिक करूँगा तो मेरे पास इस तरीके से इंटरफेस खुल जाएगी, और यहाँ पर लिखा है वेरीफाई सप्लायर,
ठीक है, तो इसका आपने स्क्रीनशॉट लेके यहाँ पे लगा देना है। तो इस तरीके से आपको चारों जो है क्वेश्चन हो गए। मैंने कोशिश ये की है कि वीडियो लंबी ना हो और कम टाइम में आप लोगों को पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाए, ठीक है। जो मेन चीज़ तो मैंने आपको दिखा दी है और वेबसाइट भी मैंने आपको दिखा दी है, आप जाके आराम से स्टेप फॉलो कर लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। आप लोग ये सारा चाहिए तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, अपना ईमेल कमेंट पे कर दें तो मैं आपको इंशाल्लाह ईमेल कर दूँगा, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोग वीडियो पसंद आए, वीडियो पसंद आए करें, लाइक करें, कमेंट करें, दूसरा शेयर कीजिए। अल्लाह हाफिज़।